नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। पिछले साल फरवरी से भारत चीन के बीच तनाव है और अभी तक इसका मसला सुलझ नहीं पाया है और दोनों देश एक दूसरे को मात देने के लिए खतरनाक से खतरनाक हथियार और सैनिक सीमा पर पहुंचा रहे हैं और एक दूसरे पर खम ठोक रहे हैं। इसी बीच चीन कई चाल चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ठीक एन मौके पर भारत उस चाल को नाकाम कर दे रहा है। इसी बीच लद्दाख में भीषण सर्दी की वजह से चीनी सैनिक ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्लानिंग करने वालों को आशंका है कि मार्च के अंत में बर्फ पिघलने की शुरुआत के साथ ही चीन टकराव वाले स्थानों पर सैनिक गतिविधियां बढ़ा सकता है। कई दौर की बातचीत के बाद भी टकराव वाले स्थानों से पीएलए सैनिक की वापसी शुरू नहीं हुई है और इसी बीच चीन ने दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, सैनिकों के लिए घर और होटल एयरबेस से काराकोरम के पास तक जल्दी पहुंचने वाले रास्ते का निर्माण कर लिया है। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की माने तो डेपसांग उभार के उत्तर में सैन्य दबाव हो सकता है। नौवे दौर की सैन्य बातचीत के लिए जल्द तारीखें तय की जा सकती हैं और तनातनी को कम करने के लिए अच्छी प्रगति की उम्मीद है। हालांकि सरकार में दूसरा पक्ष इसके ठीक उलट है, जो मानता है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ भी शी जिनपिंग के भाषण से पहले चीनी सैनिक पीछे हटने के मूड में नहीं है। भाई, समय जितना भी लगे, भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में जमे रहने के लिए तैयार बैठी है, जबकि चीन का रुख इस बात से भी प्रभावित हो सकता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके जो बाइडेन का रवैया बीजिंग के प्रति कैसा होता है। अमेरिकी प्रशासन चीन को अन्य महाशक्ति के रूप में अपनी मान्यता देकर संतुलन बना सकता है। ये नया G2 फैक्टर रूस जैसे पूर्व महाशक्तियों को नुकसान पहुंचाएगा। वहीं भारत का मानना है कि ये बहुध्रुवीय दुनिया है और दिल्ली चीन से अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए वॉशिंगटन पर निर्भर नहीं है, इसलिए आत्मनिर्भर भारत के तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से स्वदेशी तकनीक वाले ड्रोन, लड़ाकू विमान और हथियारों का निर्माण कर रहा है। इसी के तहत DRDO और HAL की ओर से तेजस मार्क निर्माण किया जा रहा है। भारत को उम्मीद है कि आने वाला बाइडेन प्रशासन चीन, दक्षिण चीन सागर, ताइवान या हिंद प्रशांत पर अपनी प्रतिबद्धता के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन नई दिल्ली पीएलए से निपटने के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं है। जानकारी ये भी है कि अमेरिका ने वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की जागरूकता बढ़ाई है, लेकिन यही लद्दाख के बारे में नहीं कहा जा सकता। ये दृष्टिकोण चीन की धारणा के विपरीत है, जो भारत को अमेरिका के चश्मे से देखता है।